Project! साल पहले कोचिंग शुरू किया था। आप मुस्कुराइए, आप सीएससी के अंदर है। बोला जय जय। जो कोई भी नया काम होता है हनुमान चालीसा पाठ शुरू करते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सजा, पर्ण व्रज वर विमल शुभोदायक संचार, दीन दर्शन के रूप धरि सेहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुम रोय शिगावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, नारद सारद सहित कही सा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ दे, कवि गोविंद कही सके कहाँ दे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पर सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर मानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो, संकट दे हनुमान छुड़ाने, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आप मुस्कुराइए, आप सीएससी के अंदर है। ये मैं कॉलेज गया तो पहली लाइन लिखी हुई थी मैं कॉलेज के अंदर, मुस्कुराया वैराइटी जलंधर में, तो आप मुस्कुराए, आप सीएससी के अंदर है, राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगह बैठे आप, और आप कि जो पेरेंट्स हैं और आपने इतने सारे भयंकर कंपटीशन के बाद में सीएससी को अपने जीवन के वो दो अमूल सबसे श्रेष्ठ सबसे खूबसूरत समय आपने दिया है सीएससी को, आपने सीएससी पे भरोसा किया है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि आपकी एज के बच्चे, आपके डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले बच्चे हमें आप पे, हमारी टीम पे, हमारे सिस्टम पे, हमारे 29 साल की लेगेसी पे भरोसा करके आप लोग हमारे प्रांगण में आए, आप हमारी इस टीम के लिए बहुत जोर तालियां बजाएं एक बार। पापा ने 29 साल पहले कोचिंग शुरू किया था, एक आदमी बीटेक करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब को बिल्कुल ना करने के बाद में कोचिंग शुरू की थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आज इतना बड़ा सिस्टम हो जाएगा, आज उनके बिना हम लोग सत्र की शुरुआत करेंगे, वो आज जानबूझ के नहीं आए, उन्होंने बोले कि अब टीम को आगे देने की बारी है, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि आज सीएससी की टीम, कोर टीम, मैनेजमेंट टीम, टीचिंग टीम अपने सत्र की शुरुआत करेगी, हम लोग अब आएंगे भी जब ये पहला सेशन, ये पहली शुरुआत अपने सब साथ मिलकर करेंगे, तो जब उन्होंने शुरू किया था तो उनके लिए ये मकसद नहीं था कि ना आप भी सुनोगे सीएससी के अंदर कि ना कुछ पर्टिकुलर बच्चों पर काम किया जाता, वो कहते हैं कि जिस पेरेंट ने, क्योंकि पैसा हर आदमी बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से कमाते हैं, आपके पास जो बच्चा है हमारी कोर टीम पे, हमारी फैमिली की, हम जितने भी लोग हैं हम लोग इसलिए ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आपके पेरेंट्स ने सीएससी की फीस सीखे रहने का खर्चा किस तरह से उठा दें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, आप हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमारे लिए एसेट है। आने वाले सत्र में, आने वाले सालों के अंदर हमारा एक ये एक क्वालिटी एजुकेशन, एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ अमाउंट के अंदर आपको डिलीवर की जाए, चाहे वो सीएससी के कोर्सेज हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे सीएससी के स्कूल्स हो, चाहे सीएससी का प्री फाउंडेशन हो, चाहे वो सीएससी का एनडीए हो, चाहे सीएससी की सीयूईटी हो, चाहे उसकी क्लैट एग्जाम हो, तो हम लोग हमारे पापा एक बात और बोलते हैं हमारे को कि ना कि फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन करके जो लोग काम करते हैं ना वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में, हम हमारे आपके ये फूल दिख रहे होंगे सामने, हम हमारे सत्र की शुरुआत कुछ वर्षों से करेंगे कि हम हमारा नया सेशन शुरू करने वाले हैं, आप अब होली खेल के आए हो, अब पुष्प की होली खेलेंगे आपके साथ, पहले मैं 12th की पक्ष से बात करूँ, बेटा 11th कैसा भी गया हो अच्छा बुरा बहुत अच्छा बहुत खराब कोई दिक्कत नहीं, एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है, नई शुरुआत का मतलब एक नई एनर्जी के साथ करते हैं, जो
जो बीत गया वो बीत गया, उसको लेके जिंदगी लेते घूमोगे ना तो सक्सेसफुल होना, सिलेक्ट होना मुश्किल है। जो बच्चे 11 को टारगेट नए आए उनके लिए बता दूं, हमारा हमेशा ये रहता है कि अंत भला तो सब भला। आज हम शुरुआत कुछ कुछ कर रहे हैं, जिस दिन कोर्स पूरा हो जाएगा उस दिन भी सेम यही सेरेमनी वापस होगी, ये टीचर्स रहेंगे आपके बीच में रहेंगे, आपको वापस आपकी सत्र के अंत तक हम लोग ऐसे रहेंगे। आपको एक डेट दे दी जाएगी, मोटा मोटी डेट मैं आपको बता दूँ, डेट भी फाइनल की नहीं है हम लोगों ने, फिर भी आपको रफली टेंटेटिव आइडिया दे देता हूँ। सेप्टेम्बर लास्ट तक 12th का कोर्स पूरा हो जाएगा, 11th का कोर्स फेब में पूरा हो जाएगा, फिर 12th शुरू हो जाएगा। और टारगेट के बच्चे जो अब एडमिशन ले रहे हैं उनका जनवरी लास्ट तक फेब के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस पूरा, और इस चीज़ के लिए हम कमिटेड हैं। और हम लोग हमारे सिलेबस को किसी भी प्रकार से छोटा बड़ा नहीं करते, चाहे आप स्कूल के अंदर हो, चाहे आप एनडी में हो, चाहे सीएचएस के अंदर हो, हमारा यही रहता है कि हम लोग एक अच्छी क्वालिटी की आपको एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आपको डिलीवर कर पाए, क्योंकि आप लोग सीखकर घूमने नहीं आए है ना, और सीएनसी कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि आप आए चले गए, ऐसा नहीं, आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। तो हमारा कोर जो कोर मिशन जो है अपना एजुकेशन, उसमें सीएनसी की 29 साल की जो लेगेसी है उसको बरकरार रखने का जो प्रेशर हमारी टीम पर हम पे है, उसी प्रेशर में हम लोग रात दिन काम करते हैं। अभी आप देखना जो बच्चे टारगेट के बच्चे देख रहे होंगे वो किस तरह से किस मोमेंटम से नीट तो जे के लगे हुए, आपको फील हो जाएगा कि हाँ कि इस कोचिंग के अंदर जो मोमेंटम है चाहे इन्वायरमेंट है एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है। और आप लोग जिस सपनों से कोचिंग के अंदर आए हैं, डिजायरेबल नहीं डिजर्विंग कॉलेज में आप लोग जाएंगे, डिजायर तो कुछ भी हो सकता है, किसी मेरा भी हो सकता है, मैं इन चल जाऊँ पर जान सकता मेरी उम्र होगी, ठीक है। आप लोग जितना डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा सीएनसी आपको दे, अगर आप आपका पोटेंशियल आज एमटीडी में जाने का है तो हम जान लगा देंगे आपको एमटीडी में जाने का। इसी अगर आईआईटी मुंबई जाने के लिए आपका पोटेंशियल है, सीएस बना देने का पोटेंशियल है, तो हम उसके लिए रात दिन मेहनत करने के तैयार हैं। हम लोग आपके पेरेंट्स का और आपका सपना नहीं टूटने देंगे, इसी के लिए पूरे साल भर मेहनत, 11th का बच्चा है 2 साल की मेहनत करनी है, टारगेट का बच्चा 12th का बच्चा ये आपके 2025 के एग्ज़ाम है उसके लिए अपना ये टारगेट, इसी तरह सेशन आगे बढ़ता जाएगा। 12th के बच्चों से 11th के बच्चों से टाइम टू टाइम मीटिंग्स आपका ओरिएंटेशन सेशन भी होगा आगे। हर वोट पर अपने आप से एक ही बात दोहराई।